Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. और आज बारी है biology के chapter sense organ की. हाँ, हमने आपके लिए sense organ को एक ही shot में आज crystal clear कर देना है. मतलब आप यहां पढ़ेंगे sense organ और उसके बाद आप अपनी book से अपनी बुक से चाहेंगे तो मैच कर लेंगे, आपको हर कुछ मिलेगा एज पर दी लेटेस्ट सिलेबस. तो आज बारी है सेंस ऑर्गन की. आप तो सिर्फ पांच सेंस ऑर्गन्स मुझे बताएंगे और पांचों सेंस ऑर्गन्स के फंक्शंस बताएंगे. क्या कहा? सेंस ऑर्गन. अरे वो ऑर्गन जो हमें हमारी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, जो स्टिमुलाई कलेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं टेस्ट के बारे में, साइट के बारे में, साउंड के बारे में, क्या कहते हैं, टच के बारे में, पेन प्रेशर के बारे में. चलिए समझते हैं सेंस ऑर्गन क्या है. तो सेंस ऑर्गन एनेबल करते हैं हमारे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरमेंट से हमें कनेक्ट करते हैं. और सबसे कॉमन सेंस ऑर्गन जो आपको जानकारी है वो आईज, वो साइट के लिए मतलब लाइट के लिए, और ईयर्स साउंड के लिए, टंग टेस्ट के लिए, नोज स्मेल के लिए, और स्किन टच के लिए. क्या आप ये जानते हैं कि हमारी आंखें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कलर्स को डिकोड कर सकती हैं, उनको एक साथ आइडेंटिफाई कर सकती हैं. बहुत 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 खूबसूरत तोहफा है, खूबसूरत गिफ्ट है गॉड का हमारी आईज. तो हमारी आईज में ऐसा क्या है कि वो लाइट पहचान लेती हैं, कलर पहचान लेती हैं? हाँ, जवाब है उसके अंदर है सेंसरी सेल्स जो रिसीव कर लेती हैं फोटॉन्स को, और इन्हीं सेंसरी सेल्स को जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स. तो ये रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में कई सारे हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में मौजूद हैं. ये जो पांच सेंस ऑर्गन पढ़ रहे हैं ये तो मोस्ट कॉमन है, बट इसके अलावा और बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में जो हमें अलग अलग सेंसेशंस देते हैं. जैसे आपको भूख लग रही है, पता चल जाता है ना कि मम्मी भूख लग रही है, जल्दी खाना लगाओ, प्यास लग रही है, तो ये सब के रिसेप्टर्स, हाँ ये सब के, इन सब के रिसेप्टर्स हमारे पास हैं, बॉडी में है हमारे पास, देखा? बट आपने उसका सेंस ऑर्गन में नाम नहीं देखा. आइए देखें कौन कौन से रिसेप्टर्स और भी हैं. तो रिसेप्टर्स में कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जिनका काम होता है हमें इन्फॉर्म करना, हमारे ब्रेन को इंपल्स भेजना ताकि उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाए, ऑर्डर्स रीसेंड किए जा सके. जैसे मैकेनोरिसेप्टर, ये टच प्रेशर ऑफ द स्किन को बताता है. मतलब अगर आपको किसी ने सुई चुभाई है, कोई आपको दबा रहा है, कहीं आपके पैर पे कोई चढ़ गया है, आपको पता चला पैर पे चढ़ गए, कैसे महसूस होता है आपको? इस मैकेनोरिसेप्टर की वजह से. और केमोरिसेप्टर्स, इसमें केमिकल इन्फ्लुएंस पता चलता है, इसीलिए जीभ पे, यस अपनी टंग पर आपने अगर एक पीस ऑफ आइस रख दी तो पता चल जाता है, पीस ऑफ अगर सॉल्ट डाल दिया तो पता चल जाता है. तो ये रिसेप्टर्स हैं आपके टेस्ट के, टंग में है, और स्मेल के रिसेप्टर्स आपके नोज में है. ये दोनों केमो रिसेप्टर्स हैं. फोटो रिसेप्टर्स आपके रेटिना में है, आंखों की रेटिना को. और थर्मो रिसेप्टर्स ठंड और गर्मी के बारे में बताते हैं, अगेन हमारी बॉडी में है. थर्मो रिसेप्टर्स को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का थर्मोस्टैट. क्या है थर्मोस्टैट ऑफ ह्यूमन बॉडी? हाँ ये आपको बताना है. मैंने तो इसके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर हार्मोन्स में, एंडोक्राइन सिस्टम में इसको डिटेल में बताया था. आपको बताना है कि हमारी बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटर है, टेम्परेचर कंट्रोलर है, कौन है? हाँ ये तुमको बताना है. चलो मैं वेट करता हूं आप में से कितने मुझे इसका सही आंसर दे रहे हैं, और एक आंसर को मैं जवाब भी दूंगा, लाइक प्रेस कर दूंगा उस पर, या उस पर कमेंट भी कर सकता हूं. तो फोनोरिसेप्टर्स कहां पर है? साउंड के रिसेप्टर्स हैं, सुनने में मदद करते हैं. तो इस तरीके से पांच बेसिक रिसेप्टर्स आपने देखे. सबसे पहले जिसको हमको स्टडी करना है, जिस पे ये पूरा चैप्टर है, वो है आई, हमारी खूबसूरत आंखें. तो ये जो हमारा स्कल है, हाँ ये जो खोपड़ी है हमारी, इसमें दो बड़े से सॉकेट बने हैं, ऑर्बिट्स बने हैं,
ये खाली ऑर्बिट्स हैं, इसी के अंदर फिट होती है। तो आई सॉकेट में फिट है, आप देख पा रहे होंगे। और जरा सा स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि आपको इसमें दिखेगा कुछ लेबलिंग। सबसे पहले बात करें एक्सटर्नली, जब आप आई को देखते हैं बाहर से, अभी आप जब मुझे देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके आई के ऊपर की तरफ आपको लैक्रिमल ग्लैंड अर्थात टीयर ग्लैंड मिलेंगे। टीयर ग्लैंड मतलब समझ गए, आंसू के ग्लैंड। आपको रुलाई आ रही है तो आंसू कहां से निकल रहे हैं, इसी लैक्रिमल ग्लैंड से मिल रहे हैं। और लैक्रिमल ग्लैंड को कनेक्ट करने के लिए है लैक्रिमल सैक, जिसके अंदर टीयर स्टोर होता है। इसके अंदर टीयर आंसू स्टोर होते हैं और इसको कनेक्ट करता है नेसो लैक्रिमल डक्ट नोज के साथ। कभी आपने महसूस किया है कि आपको कोई आई ड्रॉप डाला जाता है, हाँ आई ड्रॉप डाला जाता है और आपको नोज में उसकी खुशबू आने लगती है। कभी आपने ईयर ड्रॉप, सॉरी आई ड्रॉप डाला है, हाँ पक्का डाला होगा, तो आपको उसकी खुशबू नाक में महसूस हो रही होगी। करके देखिएगा, चेक करके देखिएगा, वो इसकी वजह से है। नेसो लैक्रिमल डक्ट जो कि आईज को नोज से कनेक्ट कर रहा होता है, हाँ। और कौन सा डक्ट है, डक्ट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड मतलब टीयर ग्लैंड का डक्ट। तो जब आप आंसू रोते हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, ईश्वर करे आपको सदा खुशी के आंसू मिले, पर अगर आप कभी भी रोए, चाहे खुशी में चाहे दुख में रोए, तो रोने के समय ये लैक्रिमल डक्ट क्या करेगा, टीयर ग्लैंड से टीयर आईज में ले आएगा और आंख से टीयर्स बाहर आ जाएंगे। समझ गए कैसे आ रहा है। आइए अब समझते हैं टीयर करता क्या है, इसके फंक्शन क्या है। सिर्फ इमोशन बताता है टीयर, नहीं नहीं और भी फंक्शंस है, अभी समझेंगे। तो आईज हमारे फ्रंटल पार्ट, फ्रंट हेड पार्ट में मौजूद है। ऑर्बिट हम इसे कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। आई को क्लोज एंड शट करने के लिए आई लिड है, ये है आई लिड, है ना। जब हम आईज को क्या कर सकते हैं, आउटर सरफेस को बंद कर सकते हैं, लाइट को क्लोज कर सकते हैं। और आईब्रो कहां है, ऑब्वियस सी बात है, जो पसीना जो प्रेस्पिरेशन ऊपर से आ रही है उसको ये क्या करता है, डायरेक्ट आई में नहीं एंटर कर देता है, सीधे आंख में जाएगा तो आपको क्या होगा, देखने में दिक्कत आएगी। तो प्रिवेंट रेन ड्रॉप्स एंड स्वेट टू एंटर दी आई। आप पसीना बह रहा है आपके फोरहेड से, वो सीधे आंखों में नहीं पहुंचेगा क्योंकि आईब्रो का देखिए शेप कैसा है, आपका सबका हम सबका शेप लगभग यही सेम मिलेगा, ताकि वो क्या हो जाए, आई में एंटर ना करे बल्कि आई के बाहर से क्या हो जाए, फेस से कहीं और चला जाए, ठीक है ना, पर आई में डायरेक्टली ना जाए। और टीयर ग्लैंड तो पता चल गया आपको, टीयर प्रोड्यूस करता है, और लैक्रिमल डक्ट टीयर डक्ट सीक्रेशन टू दी नेसल कैविटी करता है। आइए समझते हैं टीयर का फंक्शंस। तो आईज की सरफेस को लुब्रिकेट करना, याद रखिएगा आंसू आना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, हाँ, क्योंकि वो आपके इमोशंस बताता है, आपकी आंख से डस्ट वॉश कर देता है, जर्म्स किल कर देता है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम मौजूद है लाइजोजोम्स या लाइजोजाइम्स, और हमारी इमोशंस भी बताता है। तो बड़े कमाल का है टीयर, कुछ इस तरीके से आपको हम लोगों की आंखें दिखती है बाहर से। यस, आप मुझे जब देख पा रहे होंगे, जरा स्क्रीन जूम कर लीजिए और इससे, यस, इस इमेज से मेरी आंखों को, यस, आप देखेंगे कि ये रही हमारी आईज, हमारी मतलब आपकी मेरी आईज। आपको सेंटर में, आई के एकदम सेंटर में एक बहुत डार्क सा पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है प्यूपिल अर्थात विंडो, विंडो ऑफ द आईज। यही वो एंट्री पॉइंट है जहां से लाइट रे एंटर करती है और आंखों के अंदर जाती है। किससे लाइट रे एंटर कर रही है, इस प्यूपिल से। प्यूपिल वो एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ओपनिंग है इंटीरियर ऑफ द आई तक लाइट के जाने का। तो इस खिड़की को मैंने कहा विंडो है ये, इस विंडो को कंट्रोल कौन करता है, तो एक सर्कुलर मसल, एक गोल मसल। कैसी मसल, मैंने कहा गोल, गोल कैसी मसल होती, समझ गया ना, ऐसी मसल होती, गोल मतलब सर्कुलर मसल होती है ऐसी। ये मसल्स राउंड सी होती है, ये मसल ऐसे स्प्रेड करती रहती है, मतलब ये राउंड सी मसल जब फैल जाती है तो विंडो ज्यादा बड़ा हो जाता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है। प्यूपिल कोई वस्तु का नाम नहीं है, कोई पार्ट का नाम नहीं है, प्यूपिल उस ओपनिंग का नाम है। आपको याद होगा
लीव के अंडर सरफेस में भी एक ओपनिंग होती है जो अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कोई पार्ट नहीं है बल्कि ओपनिंग का नाम है। उसी तरह से प्यूपिल आई के अंदर लाइट जाने का रास्ता है, सिर्फ एक विंडो है, गोल सा है, दिखा दिया मैंने कलर से, गोल सा है। और कौन इसके साइज को छोटा या बड़ा कर रहा है? इसकी साइज को आयरिस, आयरिस अगर एक सर्कुलर मसल होती है, अगर वो फैल जाती है, आयरिस बड़ी हो जाती है तो ज्यादा लाइट अंडर आ जाती है, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, आयरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, आयरिस एक सिलेंड्रिकल मसल होती है, सर्कुलर मसल होती है, अगर आयरिस छोटा हो जाएगा तो कम लाइट एंटर कर पाएगी। तो दिन में जब आप धूप में बाहर निकल रहे होते हैं, अपने आप आयरिस क्या करता है, छोटा हो जाता है, पास में आ जाता है, और नतीजा प्यूपिल छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट एंटर करे। और इसका ठीक उल्टा होता है, शाम के समय, रात के समय जब डिम लाइट होती है, आयरिस अपने आप एक्सपेंड कर जाता है, आयरिस जो सर्कुलर मसल एक्सपेंड कर जाती है और लाइट ज्यादा एंटर कर पाती है। देखा कितना कमाल है। आपको पता है एक व्यक्ति को, डॉक्टर को जब चेक करना होता है कि व्यक्ति डेड है कि अलाइव है, हम लोग होंगे, मैं और आप होंगे तो कैसे चेक करेंगे? आप और मैं उसकी ब्रीथ से चेक करेंगे, उसकी पल्स से चेक करेंगे कि वो जिंदा है कि नहीं है। जी नहीं, डॉक्टर्स ऐसे चेक नहीं करते हैं, डॉक्टर इस प्यूपिल से चेक करते हैं। डॉक्टर को अगर चेक करना होता है और जल्दी से बताना होता है कि पेशेंट इज डेड और अलाइव, जिंदा है कि नहीं है, क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर इस पलकों को उठाता है उस पेशेंट को और उस पर टॉर्च लगाता है। अगर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब आयरिस मसल पास में आ गई, समझ जाता है डॉक्टर कि पेशेंट जिंदा है। और अगर मूवमेंट नहीं है, राम नाम सत्य है। देखा क्या कहना चाहते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये प्यूपिल जो लाइट को एंटर करता है, आईज के अंदर जाने देता है, और इस लाइट को कंट्रोल करता है आयरिस, और आंखों के रंग को भी आयरिस ही देता है। आयरिस एक रेडियल मसल है, एक सर्कुलर मसल है ना, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, सर्कुलर मसल है, कंट्रोल करता है किसको? प्यूपिल की साइज को। अब यही कलर ऑफ द आई भी देता है, मतलब अगर ऋतिक रोशन की आंखें अगर ग्रीन है, या ऐश्वर्या की आंखें, ऐश्वर्या राय की आंखें ब्लू है, तो ब्लू ब्लू आईज, ऐसा कुछ करके गाना है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ये ब्लू ब्लू आईज बेबी जो गाना है वो किसका नाम दे रहे हैं? ब्लू आईज एक्चुअली है क्या? वो आयरिस का कलर है। वैसे यूजुअली आपकी मेरी आईज तो ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक एक डोमिनेंट कलर है, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा जनरेशन टू पास ऑन हो रहा है, डोमिनेंट कलर है आयरिस का कलर ब्लैक होना। और ये व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है सर, ये क्या है? देखिए सर, इस पार्ट को छोड़ दें, अब आयरिस के अलावा ये कलर्ड पार्ट को छोड़ दें, तो ये क्या है? जी हां, इसका नाम है स्क्लेरा। क्या नाम है इसका? स्क्लेरा। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर विच कंटेन्स व्हाइट फाइब्रस मटीरियल। अब कहेंगे सर इसके ऊपर भी कोई लेयर है क्या? जी हां, अब स्क्लेरा के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी मटीरियल है, एक पॉलिथिन टाइप की, एक प्लास्टिक की पन्नी टाइप की मटीरियल है, उसका नाम है कॉन्जेक्टिवा। कॉन्जेक्टिवा इज द अबव टॉपमोस्ट लेयर, सबसे पतली सी, सबसे ऊपर की लेयर है। क्या नाम है इसका? इस ट्रांसपेरेंट लेयर का नाम है कॉन्जेक्टिवा। क्या करती है ये कॉन्जेक्टिवा? कॉन्जेक्टिवा सिर्फ अलाउ करती है लाइट को एंटर, और कुछ नहीं, बस प्रोटेक्टिव लेयर है, इनर सरफेस को प्रोटेक्ट करती है, मॉइस्ट बनाए रखती है हमारे आईज को, ठीक है। और ये जो कलर्ड पार्ट आप देख रहे थे जिसमें प्यूपिल आ रहा है, आयरिस आ रहा है, इसी को कहते हैं कॉर्निया। तो ट्रांसप्लांट क्या करता है डॉक्टर? जब किसी को आईज देनी होती है, आईज डोनेट करनी होती है, तो ये जो कलर्ड पार्ट आप देख रहे हैं पूरा, यही व्हाइट पार्ट नहीं, सिर्फ कलर्ड पार्ट, यही डॉक्टर्स डोनेशन में जब आई डोनेट करते हैं तो लोगों का कॉर्निया, विच इंक्लूड्स बोथ प्यूपिल एंड आयरिस, इस पूरे को क्या किया जाता है, एक व्यक्ति जिसकी आई खराब है या ब्लाइंड है उसको ये डोनेट किया जाता है। अच्छा, कितना आवर्स तक कॉर्निया अलाइव रहता है पेशेंट के मरने के बाद? हां, एक डेड व्यक्ति का कॉर्निया
कितने समय तक अलाइव रहता है? हाँ, आपको बताना है। चलिए, जब तक मैं आपको बता दूंगा, पर पहले आप बताइए। चलिए बात करते हैं अगेन कॉन्जेक्टिवा की। तो मैंने बताया ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो एंटायर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई को कवर करती है। इसमें कभी कभी एक बीमारी लग जाती है, एक रेडनिंग ऑफ द आई हो जाती है, एक तकली वायरस डिजीज होती है, आजकल बड़ा फैला भी हुआ है। हाँ, आजकल कहते हैं ना आंखें लाल हो गई हैं, लोगों को कहा जाता है कि स्कूल मत आओ क्योंकि तुम्हारी वजह से सबकी आंखें लाल हो रही हैं। देखने से, छूने से स्प्रेड होता है ये वायरस, नाम है कॉन्जेक्टिवाइटिस। जब आपकी आंखों की अपर लेयर में लालीपन आ जाता है, बहुत 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 टीयर निकलता रहता है, आंसू निकलते रहते हैं, आंखें लाल हो जाती, बहुत पेनफुल होता है जी। आइए देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ द आई को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेबलिंग एंड फंक्शन है। आपको हर एक फंक्शन, हर एक पार्ट का लेबलिंग आना चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 लेबलिंग करके नंबर देते हुए। आपको ध्यान से नंबर देना है। सबसे पहले तो यह जानना है कि आई में 3 रीजन्स होते हैं, आंखों में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर आउटर लेयर का नाम है, इस आउटर लेयर का नाम है स्क्लेरा। ये है लेयर 1। 3 लेयर से आंखें बनी हैं। पहली लेयर है स्क्लेरा, ये वाइट फाइब्रस लेयर होती है, वाइट फाइब्रस लेयर होती है, और इसी के आगे होता है यस कॉन्जेक्टिवा। इसी का पार्ट है आयरिस और प्यूपिल। किसका? इस स्क्लेरा का। दूसरा है मिडिल लेयर, बीच की लेयर, इसका नाम है कोरोइड लेयर। यस, कोरोइड लेयर, ध्यान से देखिए, कॉर्निया इसका पार्ट हो जाता है, सिलरी मसल इसी के अंदर आती है। किसके अंदर सिलरी मसल आती है? यस, कोरोइड में आती है। इसी की वजह से लेंस होल्ड रहता है, अपनी पोजीशन पे बना रहता है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर, तो मैंने कहा 3 लेयर है, आउटर लेयर ये रही स्क्लेरा, ये मिडिल लेयर जो कि रिचली सप्लाइड विद ब्लड होती है, सबसे डेंसली सप्लाइड विद ब्लड, ये मिडिल लेयर है ना, जिसका नाम है कोरोइड लेयर। और सबसे अंदर की लेयर, इनर मोस्ट लेयर, आंखों के सबसे अंदर की परत का नाम है रेटिना, जिसमें कि रॉड्स ऑफ कॉर्न सेल्स मौजूद हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स मौजूद हैं। क्लियर? लेयर क्लियर हो गया? आइए, ये तो हो गया लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसको छोड़ दीजिए, अब यहां आना शुरू करिए। अब इसमें सबसे आउटर लेयर में क्या दिखाई देगा? इसमें सबसे आउटर लेयर में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके पास है ये, सबसे आउटर लेयर में कॉर्निया दिखाई दे रहा होगा। ये जो कॉर्निया है, ये कलर्ड पार्ट ऑफ दी आई है, कलर्ड पार्ट है। ये देखिए, आपने जो कलर्ड पार्ट देखा, इसके अंदर क्या क्या आएगा? इस कलर्ड पार्ट के अंदर आएगा आयरिस, जो कि आप देखेंगे एक सिलिंड्रिकल मसल होती है, कुछ इस तरीके से आपने देखा, मैंने कलर कर दिया है, है ना। ये है आयरिस, जो कि आंखों को रंग देती है और कंट्रोल करती है प्यूपिल की साइज को, छोटा या बड़ा करती है, ठीक है। और प्यूपिल इस होल को, इस ब्लैक होल को, इस ओपनिंग को, इस विंडो ऑफ द आई कहते हैं, आंखों के लिए विंडो है, यहीं से लाइट एंटर कर रही होती है। ये सारे पार्ट्स आप जो देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे अब आपको मिलने वाला है लेंस। ये जो लेंस है आई में, वो बायकॉन्वेक्स लेंस है। ये लेंस को होल्ड करता है सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट का जो पार्ट है वो किससे अटैच है? सिलियरी मसल से अटैच्ड है। सिलियरी मसल कंट्रोल करती है सस्पेंसरी लिगामेंट्स को, जिसकी वजह से लेंस की साइज चेंज होती है, अर्थात आंखों की लेंस को छोटा बड़ा करना होता है, ताकि आंखें दूर की चीजें और पास की चीजें देख सके। ये कौन मदद करता है? ये हमारी आंखों के लेंस, ठीक प्यूपिल के पीछे है, जस्ट एट द बैक ऑफ द प्यूपिल क्या है, ये लेंस है। और यही लेंस हेल्प करती है हमें नियर और डिस्टेंट विजन देखने के लिए। इस एबिलिटी ऑफ द आईज टू सी द नियर पॉसिबल ऑब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। इस पावर ऑफ द आईज को कहते हैं अकोमोडेशन करना, और वो पॉसिबल किसके लिए हुआ है? इस लेंस की शेप को चेंज करके। लेंस एकदम स्ट्रेच्ड हो सकती है, कुछ इस तरीके से लेंस हो सकती है, ऐसे एकदम स्ट्रेच हो जाती है। कौन करता है? सस्पेंसरी लिगामेंट विद द हेल्प ऑफ द सिलरी मसल। जब दूर का देखना होता है तो लेंस ऐसी हो जाती है, और जब पास का देखना होता है तो लेंस थिक हो जाती है। समझ गए? इस तरीके से लेंस काम करती है। अब आइए रेटिना
की तरफ ध्यान देते हैं। रेटिना में एक प्लेस है जिसका नाम है फोवियो सेंट्रलिस। फोवियो सेंट्रलिस वो पार्ट है जहां पर ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। यहां पर सेल्स मौजूद ही नहीं है, इसीलिए यहां पर इमेज फॉर्म नहीं होती है। ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहां पे कोई सेंसरी सेल नहीं है। और जबकि इसके नीचे देखेंगे, आप देखेंगे एक ऑप्टिक नर्व जाती हुई नजर आएगी। ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन को मैसेज ले जाती है, ब्रेन को मैसेज ले जाती है कि उसने क्या इमेज देखा। और रेटिना में, यस रेटिना में एक प्लेस मिलेगी जहां पर हो जाएगा येलो स्पॉट। जी, मैक्यूला लुटेई, यस येलो स्पॉट। क्लियर हो गया? चलिए अब एक एक करके फटाफट सारे लेयर्स के बारे में समझेंगे। तो तीन लेयर है, आउटर लेयर स्क्लेरा व्हाइट कलर की होती है, इसी में कॉर्निया पाया जा रहा है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। मिडिल लेयर है कोराइड, इसके अंदर पाया जा रहा है आयरिस। आयरिस एक सर्कुलर मसल है जो कि प्यूपिल को कंट्रोल करती है, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करती है। रेटिना, रेटिना में पाई जाती है रॉड्स और डिम सेल्स। रॉड सेल्स करती है डिम लाइट में देखने मदद, और कौन सेल्स मदद करती है? कलर लाइट या ब्राइट लाइट में देखने की मदद। अब आते हैं फिर से स्क्लेरा को साथ समझते हैं। स्क्लेरा वो बल्जिंग पार्ट, आंख का जो आगे का हिस्सा, जो निकला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो आप राउंड टच करके देखिए, आपको आंखों का आगे का हिस्सा राउंड सा नजर आ रहा है। चेक करके देखिए, अपने आईज को टच करके देखिए, आगे आपको ऐसे राउंड सा नजर आएगा। ये जो बल्ज पोर्शन है यही है स्क्लेरा, ठीक है? ये आगे से ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें जो कलर्ड पार्ट है वही नाम है कॉर्निया। और पेशेंट की पूरी आई नहीं निकाली जाती है, आई ट्रांसप्लांटेशन है, सिर्फ कॉर्निया ऑफ द हेल्दी पर्सन निकाला जाता है। मतलब जो व्यक्ति डोनेट किया है आईज, वैसे मैंने पूछा था कि कितनी देर तक कॉर्निया लाइव रहता है, तो वो है 40 आवर्स तक। 40 घंटे तक आदमी के मरने के बाद भी उसका कॉर्निया जिंदा रहता है और उसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो एक कॉर्निया से कई लोगों को नेत्रदान किया जा सकता है। हाँ, आजकल ये साइंस आ गया है। सेकेंड लेयर है कोरॉइड लेयर। कोरॉइड लेयर में एक ब्लैक पिगमेंट है, ये पिगमेंट मेलानिन है। इसका काम है लाइट को अंदर स्कैटर होने से बचाना, क्योंकि आईज के सेकंड, आईज के बीच की लेयर है ये, आउटर और इनर लेयर के बीच की लेयर है। आउटर लेयर स्क्लेरा थी, इनर लेयर रेटिना थी, दोनों के बीच की लेयर है, और इसमें मौजूद है मेलानिन जिसका काम है लाइट को प्रिवेंट करना स्कैटरिंग, और इसी के अंदर मौजूद है लेंस को होल्ड करने वाली मसल नोन एज सिलरी मसल, लेंस की शेप को चेंज करने वाली मसल। और क्या मौजूद है यहां पे? मौजूद है आयरिस जो कि प्यूपिल को कंट्रोल करता है, जो कि एक सर्कुलर मसल है। आइए नेक्स्ट लास्ट और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, रेटिना। रेटिना सेंसिटिव टू लाइट होता है, इसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती है, रॉड्स और कॉन्स। रॉड सेल्स डिम लाइट में देखने की मदद करती है, इसका मतलब है रात को रॉड सेल्स ज्यादा एक्टिव होती है और दिन को कॉन्स सेल्स ज्यादा एक्टिव होती है। रॉड सेल्स हेल्प करती है डिम लाइट देखने में, और इसको कलर से कोई रिलेशन नहीं है, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर। क्या होता है? इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन या विजुअल पर्पस। रॉड सेल्स का जो पिगमेंट है रोडोप्सिन, जबकि कौन सी से कलर, तो कौन सा कलर लाइट देखने में मदद करती है, ब्राइट लाइट देखने में मदद करती है। इसके अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है उसका नाम होता है आयोडोप्सिन या विजुअल वॉयलेट, विजुअल पर्पल नहीं, विजुअल वॉयलेट, ठीक है? ये कौन सेल्स सबसे ज्यादा पाई जाती है येलो स्पॉट में, जिसे हम कहते हैं मैक्यूला लुटेई। हाँ, अभी दिखाते हैं आपको येलो स्पॉट और मैक्यूला लुटेई। ये रहा येलो स्पॉट, आप देखेंगे ठीक आईज के सेंटर मोस्ट में, एकदम सेंटर में पाया जाता है। ये रहा मैक्यूला लुटेई जिसका नाम है येलो स्पॉट। इसे कहते हैं एरिया ऑफ बेस्ट विजन। क्या बोलते हैं इसे? एरिया ऑफ बेस्ट विजन। सर इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा कौन सेल्स मौजूद होती है और ठीक एट द बैक ऑफ द आई मौजूद होता है, सबसे ज्यादा सेंसरी सेल्स है, सबसे ब्राइटेस्ट विजन होता है। आप देखेंगे कुछ लोग पढ़ते हैं तो ऐसे हाथ रख के पढ़ते हैं, कुछ लोग रीडिंग करते हैं तो बुक्स में ऐसे अंगुली रख करके हाथ रख के रीड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आईज को उस शब्दों पर क्या कर रहे होते हैं, ऐसे चला रहे होते हैं और ऐसा प्ले करते हैं ताकि वो चाहते हैं उसकी इमेज उनके येलो स्पॉट में बने। समझ गए? तो रीडिंग करते समय अगर कोई वर्ड टू वर्ड रीड कर रहा है तो वो समझ जाइए वो चाहता है उसकी इमेज येलो स्पॉट में हो। समझ गए ना? ब्लाइंड स्पॉट मतलब जहां पर क्या हो, सेंसरी सेल ही ना हो। ये येलो स्पॉट के ठीक लेटरली पाया जाने वाला एक पार्ट होता है, और यहां पर क्योंकि
सेंसरी सेल नहीं है तो यहां पर कोई विजन नहीं होता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंसरी सेल्स कहां नहीं है, तो मैंने कहा यहां तक तुम देख पा रहे हैं, पर यहां के ऑब्जेक्ट इनकी लाइट रेज हमारे, यस, यहां यहां मैंने जहां मेरा हाथ देख रहा है, इधर देखिए, लेफ्ट राइट देखिए, आप देखेंगे कि सामने तक का विजन तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर यहां और यहां तक का थोड़ा दूर हाथ फैला के देखिए अपना, नहीं दिखाई देगा। तो ये लाइट तो जा रही होगी अंदर, पर हमारे ब्लाइंड स्पॉट पे पहुंच रही है। लेंस की बात करते हैं, तो हमारी आईज में ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। कैसी लेंस है? बाइकॉन्वेक्स लेंस है, और ठीक प्यूपिल के पीछे है लेंस। लेंस को कौन होल्ड करता है? लेंस को होल्ड करता है, लेंस को संभालता है सस्पेंसरी लिगामेंट। देखना चाहते हैं? अभी दिखाते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट को कौन कंट्रोल करता है? सिलियरी बॉडी, जो कि एक तरह की मसल होती है, और इसी का काम होता है लेंस के शेप को कंट्रोल करना, ताकि हम डिस्टेंट एंड फार ऑब्जेक्ट्स को देख सके। अभी दिखाते हैं आपको ये सस्पेंसरी लिगामेंट और ये दो। आइए जरा इस स्ट्रक्चर को देखें, ये रहा आपके पास इमेज। अब आप देखिए, ये इमेज आपकी बुक से ली गई है। आप देखेंगे कि प्यूपिल के ठीक पीछे है लेंस, ये रही हमारी लेंस, इस लेंस को होल्ड कर रहा है ये थ्रेड लाइक फाइबर लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। इस थ्रेड लाइक फाइबर लाइक ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये क्या होते हैं? फाइबर लाइक पार्टिकल्स होते हैं जो लेंस को होल्ड किए रहते हैं, और उनको कौन कंट्रोल करता है? देखिए, सस्पेंसरी लिगामेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? सस्पेंसरी लिगामेंट को कंट्रोल कर रहा है ये सीलियरी बॉडी, जिसे हम सीलियरी मसल कहते हैं। इस सस्पेंसरी लिगामेंट को सीलियरी बॉडी होल्ड कर रहा है, समझ गए? इसी तरह से ये काम करता है। अब आप क्लियर हैं? येलो स्पॉट भी आप देख पा रहे हैं और ब्लाइंड स्पॉट, हाँ ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईज में दो चैम्बर पाए जाते हैं। कौन से दो चैम्बर पाए जाते हैं? तो पहला चैम्बर है एक्वस चैम्बर। एक्वस का मतलब ही है पानी वाला चैम्बर। यहां पर, हाँ देखना चाहते हैं एक्वस चैम्बर, यहां पर होता है एक्वस ह्यूमर। कहां है आई का दो चैम्बर? आइए दिखाते हैं। तो जैसे ही हम लेंस के आगे की बात करेंगे, तो लेंस के आगे, लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में, ये रहा हमारा लेंस, ये रहा हमारा कॉर्निया, यहां पर एक चैम्बर है। इस चैम्बर का नाम है एक्वस चैम्बर, और इसके अंदर मौजूद है, एक्वस मतलब ही पानी, जेली नहीं है, पानी है, लिक्विड है। और पीछे पीछे लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और ये रेटिना, ये रहा रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में एक बड़ा सा चैम्बर है। ये बड़े से चैम्बर का नाम, पीछे वाला चैम्बर बड़ा है, बड़े से चैम्बर का नाम है विट्रस चैम्बर। अब विट्रस चैम्बर में क्या होता है? विट्रस ह्यूमर। विट्रस शब्द का मतलब ही होता है जेली लाइक। क्या? जेली लाइक। इसमें एक थिक डेंस लिक्विड पाया जाता है। कैसा लिक्विड है? जेली लाइक है, ठीक है। तो विट्रस चैम्बर में जेली लाइक लिक्विड है, एक्वस चैम्बर में पानी जैसा लिक्विड है। अब ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं? आइए पहले बात करते हैं वॉटरी लिक्विड की, एक्वस चैम्बर के अंदर पाया जाने वाला इस लिक्विड। इसका काम है लेंस को मॉइस्ट रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट रेज जब जा रही होती है इसको रिफ्रेक्ट करना, बेंडिंग करना लाइट को, ठीक है। जबकि विट्रस चैम्बर में जो लिक्विड है विट्रस ह्यूमर, इसके भी दो फंक्शन है, आई बॉल को शेप में रखना। हमारी आई बॉल की साइज क्या है? वैसे एवरेज ह्यूमन की आई बॉल की साइज है 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द आई इज 2.3 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। और क्या करना है? इस आई बॉल के शेप को मेंटेन रखता है ये जेल लाइक लिक्विड, और दूसरा रेटिना को और नर्व एंडिंग को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि याद होगा रेटिना और नर्व एंडिंग को, क्यों? क्योंकि इसके पीछे रेटिना ही है, ठीक है ना, इस चैम्बर के पीछे रेटिना है। आइए बात करते हैं कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। डिफेक्ट ऑफ द आई आने के बहुत चांसेस हैं हर साल, यस, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, छोटे क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं। सबसे पहला डिफेक्ट है नियर साइटेड या शॉर्ट साइटेड, या इसे मायोपिया भी कहते हैं। देखिए शब्द मायोपिया की स्पेलिंग भी छोटी है
और मायोपिया का मतलब है कि पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। क्या आप यस तुम में से कोई ऐसा है क्या? क्या कहते हो, तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ऐसे चश्मे लगे हैं जिसमें माइनस का पावर लगा है? क्या है तुम्हारे पास चश्मा ऐसा? तो समझ जाना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मायोपिया, मायोपिया में आदमी को पास की चीज तो दिखती है, दूर की चीजें ब्लर हो जाती हैं। अब ये कंडीशन क्यों होती है, आइए अगर इसको समझना है डायग्राम से, तो आप देखेंगे कि इमेज जो है वो रेटिना पे ना फॉर्म होके रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जा रही है। कहां इमेज फॉर्म हो रही है, देखिए रेटिना से पहले फॉर्म हो जा रही है, इसीलिए आंखों पे रेटिना पर इमेज बनी नहीं रही है, इसीलिए नहीं दिखती है। दूर की इमेज नहीं फॉर्म हो रही है रेटिना पर, समझ गए, इसीलिए प्रॉब्लम है। क्या सोल्यूशन है? अच्छा रीजन क्या है? अच्छा नहीं सोल्यूशन, पहले रीजन क्या है? रीजन ये हो सकता है, हो सकता है आपका आई बॉल, ये जो मैंने कहा था 2.3 सेंटीमीटर का होता है, वो बड़ा हो गया हो, हो सकता है आई बॉल फैल गया हो ना, ये भी तो हो सकता है, रेटिना दूर चला गया इसलिए भी हो सकता है, और या तो हो सकता है ज्यादा कर्व हो गया हो, ज्यादा क्या हो गया उसमें कर्विंग आ गई हो, ये भी हो सकता है। और करेक्शन का क्या तरीका है? कॉनकेव लेंस लगाओ, कॉनकेव लेंस दूर से आती हुई लाइट रेस को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए कौन सी लेंस लगाया है, कॉनकेव लेंस, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। लाइट रेस दूर से आती है और आकर के मीट एट अ पॉइंट कर जाती है। कहां मीट कर रही है, देखिए एग्जैक्ट रेटिना में आके लाइट रेस मीट कर रही है, नतीजा हम देख पाते हैं। ठीक है, तो कौन सा पावर चश्मा लगा है? अगर माइनस का पावर का चश्मा लगा है तो आपको समझ जाइए कि आपको प्रॉब्लम मायोपिया की है। ठीक है, आइए इसका ठीक रिवर्स करने वाले हैं, हाइप्रोपिया। पहले इसको हाइप्रोमेट्रोपिया बोलते थे, आजकल इसका नया नाम है हाइप्रोपिया या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। ये क्या होता है? दूर का दिखता है, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। बाप रे, ये भी एक समस्या है। मतलब पास से कोई आया और आपको थपड़ी लगा के चला गया तो आप तो खोज ही नहीं पाएंगे। यहां ऐसी प्रॉब्लम जब आपको क्या हो रहा है, पास की चीजें क्या ध्यान है आपको, लॉन्ग का तो दिख रहा है तो दूर से कोई बड़ी चीज तो दिखाई दे रही है, पास आ जा रही है आपके सामने से गायब हो जा रही है। क्यों? क्योंकि पास में तो आपको दिखता ही नहीं है। ये भी एक चैलेंज है। अब इसका रीजन जस्ट अपोजिट है, इसके रीजंस जस्ट अपोजिट ऑफ द रीजन है। हो सकता है आई बॉल शॉर्ट हो गई हो तो, या लेंस फ्लैट हो गई हो, पीछे लेंस कर्व हो गई थी, यहां पर लेंस क्या बोला है, यहां पर लेंस फ्लैट हो गई है। अब देखिए क्या हो रहा है फार साइटेडनेस में, इमेज कहां बन रही है, इमेज रेटिना के बियॉन्ड बन रही है। देखिए रेटिना के बियॉन्ड, पर रेटिना में ही तो रॉड सेल्स, कौन सेल्स हैं, अर्थात रेटिना में ही लाइट को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स हैं, तो रेटिना में जब बनेगा ही नहीं इमेज तो दिखेगा ही नहीं, इसीलिए ये दूर का ऑब्जेक्ट, यस दूर का ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, पास का नहीं देख पा रहा है। अब इसका इलाज क्या है, प्लस वाले लेंस। क्या आपने, हाँ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या आपने कौन सा चश्मा पहना है, पॉजिटिव पहना है कि नेगेटिव पहना है? अगर पॉजिटिव पहना है तो समझ जाइए आपको फार साइटेडनेस थी, मतलब आपको दूर का दिखता था, पास का नहीं दिखता था। हाँ वैसे तो आप वैसे तो इस प्लस माइनस से भी बता के बिना भी बता देंगे, और आप अपनी लेंस को भी टच करके बता देंगे। कैसे चेक करेंगे? आपके पास अगर चश्मा है या घर में पेरेंट्स चश्मा पहनते हैं, आप उस चश्मे को चेक कर लीजिए, चश्मे को सेंटर से चेक कर लीजिए। अगर आपके घर में जो स्पेक्स आपके चाहे पेरेंट्स लगाते हैं चाहे आप लगाते हैं, अगर बीच से लेंस थिक है, क्या थिक एट दी सेंटर है, थिक एट दी मिडिल है, एंड थिन एट दी पेरिफेरी है, यहां से पेरिफेरी में थिन और यहां से थिक है, तो समझ जाइए कि आपने जो चश्मा लगाया है वो है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और यही लेंस फार साइटेडनेस के लिए इलाज है। देखिए क्या है, क्या लगाया है हम लोग ने, कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, और इमेज देखिए ठीक रेटिना पर आके बन रही है, और जब इमेज रेटिना पे बनेगी तो आपको विजिबल होगी। क्लियर है? ये है करेक्शन। हाँ चेक कर सकते हैं, चश्मे को छू के भी चेक करके बता सकते हैं कौन से पावर का चश्मा लगेगा, प्लस का पावर का चश्मा लगेगा। चलिए एक और बीमारी देखते हैं, डिफेक्ट देखते हैं, एस्टिगमेटिज्म। इसमें भी एक प्रॉब्लम है एस्टिगमेटिज्म, इसे आम भाषा में भेंगापन। भेंगापन में क्या होता है, आदमी देख तो तुम्हारी तरफ रहा होता है पर बात वहां कर रहा होता है, और अजय कैसे हो, पता लगा अजय यहां नहीं खड़ा है, अजय वहां खड़ा हुआ है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है यानी। इसमें क्या होता है, आई का फोकस कहीं और है और कई पार्ट आईज को ब्लर्ड रहते हैं,
इस केस में क्या हो गया है, जो उसका कॉर्निया है, यस, जो उसका कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है, वो ऐसे कर्वेचर कर रहा है। क्या नॉर्मली कलर्ड पार्ट ऑफ द आई ऐसा राउंड सा होता है ना, तो उसमें अनइवन सा कर्वेचर आ गया है कॉर्निया में। ठीक है, कॉर्निया का ये जो सरफेस है वो कर्व नहीं है बल्कि अनइवन हो गया है। इलाज क्या है इसका, इसका इलाज है सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, एक लेंस आती है सिलिंड्रिकल लेंस, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। वैसे इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, हाँ इसकी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, डॉक्टर्स कराते हैं। अगला डिफेक्ट आ रहा है प्रेस बायोपिया, ये आपके पेरेंट्स के साथ, अगर आपके पापा मम्मी 45 इयर्स या अबव हो चुके हैं, इवन आपके दादा दादी जो कि थोड़े एजेड और भी हैं, उनको ये बीमारी कॉमन है। ये बीमारी आजकल तो बहुत तेजी से फैल रही है। यस, ये डिफेक्ट कॉमन डिफेक्ट है कि आंखों को एजिंग के साथ चश्मा लगना ही है, क्योंकि आपकी आई लेंस अब जल्दी से अपना शेप चेंज नहीं कर पा रही है। वो जो सीलरी मसल थी ना, हाँ, वो जो सस्पेंसरी लिगामेंट थी, अब इतनी इफेक्टिव नहीं रही, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है जब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं, क्योंकि लेंस फ्लेक्सिबल नहीं है, लेंस अपना शेप जल्दी से चेंज नहीं कर पा रही है, और ये एजिंग की वजह से है। इसमें ज्यादातर फार साइटेडनेस जैसी ही प्रॉब्लम होती है, और इसका इलाज भी सेम है, कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, मुझे भी, हाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी प्रेस बायोपिया, अब याद कर लेंगे आप, अब आप याद कर लेंगे कि आपके गूगल सर को अर्थात सर तरुण को जो चश्मा लगा हुआ है वो प्रेस बायोपिया लगा हुआ है, अब तो नहीं भूलोगे। वैसे मैंने कहा आपके घर में जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स भी आपके, इवन आपके अगर पेरेंट्स को भी चश्मा लगा है, मदर फादर 45 इयर्स या उसके अबव के हैं, तो उन सबको यही प्रेस बायोपिया लगा होगा। चेक करके देख लीजिए, हाँ पता करके देख लीजिए। ठीक है, तो कौन सा लेंस लगेगा उनको, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। ठीक है, अब आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। कई बार क्या होता है, जब और एजिंग आ जाती है, दादा दादी की उम्र में जब और एजिंग आ जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, 60-70 साल के हो जाने लगते हैं, तो आंखों के लेंस के आगे एक वाइट सा ओपेक लेयर आ जाता है, एक ओपेक, एक डेंस लेयर बन जाता है, जिससे आंखों के अंदर रोशनी जाती ही नहीं है। लेंस के आगे एक ओपेक, आई लेंस के आगे एक ओपेक सी लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, इसका इलाज होता है सर्जरी। सर्जरी मतलब होता है ऑपरेशन, आजकल लेजर सर्जरी आ रही है, हाँ लेजर लाइट से क्योर कर देते हैं, कुछ मिनटों का ऑपरेशन होता है और चश्मा लगा दिया जाता है। कौन सा चश्मा लगाते हैं, हाईली कॉन्वेक्स लेंस, मोटी लेंस वाला चश्मा लगा देते हैं, और आजकल प्लास्टिक लेंस भी लगाई जा रही है। आजकल तो नई टेक्निक आ गई है, साइंस बहुत तेज तरक्की कर रहा है, और इसीलिए अब ये इजी हो गया है कैटरेक्ट का इलाज करना, कुछ मिनटों का इलाज है और पेशेंट्स को घर छोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे कि मोटे मोटे काले चश्मे लगा दिए जाते हैं मोतियाबिंद के बाद। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को लगा है, हाँ अगर लगा होगा तो आपने जरूर देखा होगा। ये कैटरेक्ट, ये बीमारी कैटरेक्ट जो आई डिफेक्ट है, ये रात में देखने की डिफेक्ट है, जब लोगों की रॉड सेल्स कम हो जाते हैं। हाँ, ये एक तरह की जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, और या तो आपकी न्यूट्रिशन डिजीज है, अर्थात आपके डाइट में विटामिन ए की कमी है। हाँ, आपने विटामिन ए कम खाया है, गाजर नहीं खा रहे हो, हरी सब्जियां नहीं खा रहे हो, दूध नहीं पी रहे हो, क्या प्रॉब्लम आएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, आपको रात में कम दिखेगा। इसलिए हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, समझ गए, चॉकलेट मत खाओ, कुरकुरे मत खाओ, ये है इसका कारण। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, विटामिन ए की कमी से हो रही है। ठीक है, अगला है कलर ब्लाइंडनेस, ये एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें यूजुअली जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, ज्यादातर मेल्स को ज्यादा होती है, ये कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, खास करके रेड और ग्रीन कलर में, या येलो और ब्लू कलर में, इनमें क्या होता है, उनको कलर्स मिक्स मैच लगते हैं, कुछ सर्टन कलर्स, खास करके रेड ग्रीन वाला कलर जो है उनको समझ नहीं आता है। ये फीमेल्स में रेयरली पाई जाती है, ये मेल डिजीज है। नेक्स्ट आता है कॉर्नियल ओपेसिटीज, आपकी कॉर्निया काम नहीं कर रही है, कॉर्निया ही क्या हो गई है, आगे से जो कलर्ड पार्ट है वही ओपेक हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया है। ये भी डिजीज क्या है, करेक्ट की जा सकती है, अगर इसको जल्दी से करेक्ट नहीं करेंगे तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, स्क्विंट, स्क्विंट में क्या होता है, या तो दोनों आंखें क्या हो जाती है, या तो उधर आ जाती है, दोनों जो कॉर्निया है, दोनों जो आयरिस है, वो क्या होता है, एक तरफ आ जाता है या फैल जाते हैं एक तरफ,
या तो दोनों कॉर्निया उधर चले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस आई या वाइड आई हो जाती है, इसको स्क्विंट कहते हैं। हाँ, स्क्विंट में भी क्या होता है, आंखों को देखने में दिक्कत आती है, इसको कहते हैं डबल विजन या डिप्लोपिया। इसका भी सर्जरी है, इसका भी ऑपरेशन है और इसकी एक्सरसाइजेस भी है। ठीक हो सकता है, स्क्विंट भी ठीक हो सकता है, बैंगेपन टाइप का ही होता है, इसमें आंखें दोनों एक तरफ, यस आई बॉल जो दोनों एक तरफ आके मिल जाते हैं। हाँ, आपने तो देखा ही होगा ऐसा कभी ना कभी। चलिए अगला, अगला जो सेंस ऑर्गन है जो हमारे सिलेबस में है वो है ईयर, जो कि सेंस ऑफ हियरिंग पैदा करता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि ईयर सिर्फ हियरिंग नहीं करता है बल्कि आपकी बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करता है? नहीं यकीन हो रहा है? हाँ, ईयर्स हियरिंग में भी और बॉडी के बैलेंस में मदद करते हैं। क्या आप जब छोटे थे या आपने कभी छोटे बेबी को देखा है, छोटा बेबी जो अभी हॉस्पिटल से आया है, एक इन्फेंट, आप उठाइए उसको, देखिए वो एक जगह टिकता नहीं है, इधर उधर लुढ़कता रहता है। कभी ध्यान दिया है आपने छोटे बेबी को बेड में या कहीं बैठाने की कोशिश करिए, वो अभी क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। जब वो चलना सीख रहा होता है, पहले पहिया पहिया चलता है ना, दो पैर की बजाय वो चारों से, यस एनिमल लाइक क्रॉल करता है छोटा बच्चा, और धीरे 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 बैलेंसिंग करना सीख लेता है, दो पैर में खड़ा होना सीख लेता है, फिर दो पैर से चलना सीख लेता है। क्या कहते हैं, ये सब कुछ बैलेंसिंग है। तो अगर हम बैठे बैठे हैं एक जगह पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ा ही हूं एक जगह पर, तो ऐसे बैलेंस को कहते हैं स्टैटिक बैलेंस। और जब साइकिल चला रहे हैं, चल रहे हैं, मोशन में है, तो भी क्या हमारी बॉडी बैलेंस्ड है, मेरे कंट्रोल में है, तो वह डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल एम्प्यूला मदद करता है, और स्टैटिक बैलेंस के लिए यूट्रिकुलस, मतलब यूट्रिकुलस। आइए, ये तो हो गया बैलेंसिंग, पर सुनते कैसे हैं, आइए डिटेल में समझते हैं। पार्ट्स की लेबलिंग समझना जरूरी है, क्योंकि लेबलिंग आएगी या फंक्शनिंग आएगी। तो ईयर की बात करेंगे तो ईयर में तीन मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटर ईयर की। आउटर ईयर मतलब बाहरी हिस्सा। सबसे पहले आउटर ईयर को देखेंगे तो आउटर ईयर आपका दिख भी रहा होगा आपको। क्या कहते हैं, आपको ये आउटर ईयर दिख रहा होगा, ये आउटर ईयर का पार्ट है, नाम है पिन्ना। क्या पिन्ना, ये रहा आपका ओ कलर है पिन्ना। पिन्ना है जिसका काम है, ये एक तरह का ऐसा रिंग लाइक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको। हाँ, इसका काम है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। जो साउंड आ रही है इसे क्या करता है, इसका सरफेस बड़ा है, देखिए एलिफेंट का ईयर देखा है आपने, कभी ध्यान से डॉग के ईयर को देखा है अपने, वो क्या करते हैं ईयर्स को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा। एनिमल्स के ईयर्स को देखिएगा, उनका पिन्ना बहुत बड़ा होता है ताकि वो डिस्टेंट एनिमल्स की साउंड को पकड़ लेते हैं। हल्की सी आहट से क्या होता है, जानवर जो होता है पता लगा लेता है कि कोई उसके पास आ रहा है, समझ गए, क्योंकि उसका पिन्ना बहुत बड़ा होता है। उसका काम होता है साउंड वेव्स को रिसीव करना और इसे ट्रांसमिट करना, साउंड वेव्स को भेजना, किसमें, इस ईयर कैनाल में, जिसको हम ऑल्ट्री कैनाल भी कहते हैं। किसमें भेजता है, पिन्ना भेजता है साउंड वेव्स को, देखिए जाती भी नजर आ रही है साउंड वेव्स, कहां, ईयर कैनाल में, और कहां जाकर टकराती है, टकराती है ईयर ड्रम में, जिसको हम टिम्पेनम भी कहते हैं। ईयर ड्रम और टिम्पेनम, यही है हमारा आउटर ईयर, यही तक है हमारा आउटर ईयर। अब आता है इसके अंदर इनर ईयर। जो ईयर ड्रम है, जो ईयर ड्रम है उससे सबसे पहले टकराता है, उससे अटैच्ड है ये तीन छोटे बोन्स, इनको ईयर ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं। तीन छोटे बोन ईयर ऑसिकल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें पहला है हैमर, सीक्वेंस में याद कर लीजिए, दूसरा एनविल और तीसरा स्टिरप। ठीक है, ये रहा हैमर, एनविल। अच्छा, शेप इस जैसा है, एक हैमर हथौड़ी जैसा शेप है, हथौड़ी आप जानते हैं ना आगे से कैसी दिखती है, हथौड़ी, यस, कुछ इस तरीके से हथौड़ी जैसा शेप है इसका, आगे से राउंड सा है, यस, इसीलिए हैमर, एनविल और ये रहा स्टिरप। ये जो स्टिरप वाला पोर्शन है, यही जाके मिलता है ओवल विंडो पे, और ये कनेक्ट करता है इनर ईयर से। तो ओवल विंडो इनर ईयर पे जाके मिल जाता है, और ये तीनों पार्ट, हैमर, एनविल, स्टिरप, ये तीनों सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ दी, सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ दी ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इसमें यूस्टेशियन ट्यूब भी होता है मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर का पार्ट होता है यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि एयर प्रेशर को इक्विलाइज करता है। देखिए ध्यान से,
ये प्रेशर बैलेंसिंग का काम करता है यूस्टेशियन ट्यूब विच इज अ पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर। अब आ रहा है इनर ईयर की तरफ। चलो इनर ईयर को समझते हैं। इनर ईयर में देखेंगे तो आपको इनर ईयर में दिखाई देगा कि सबसे ऊपर एक राइट एंगल जलेबी बनी हुई दिखाई दे रही है। क्या मैंने कहा? जलेबी बनी हुई दिखाई दे रही है। ये जो जलेबी है वो नीचे से थिक है। इस जलेबी का नाम है, इस सेमी सर्कुलर जलेबी का नाम है, इसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके जो बेस में है उसका नाम है एम्प्यूला। इसके बेस में, इसके नीचे वाले पोर्शन में जहां सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसके बेस में है एम्प्यूला, और यही एम्प्यूला हेल्प करता है डायनेमिक बैलेंस में। सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस में एम्प्यूला, और यही मदद करता है डायनेमिक बैलेंस में। जब आप मोशन में होते हैं इसको बैलेंसिंग में मदद करता है। और इसके नीचे ध्यान से देखिए, इसके नीचे है यूट्रिकुलस और सेक्युलस। ये दोनों कहलाते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहलाते हैं? मैं इसको यहां लिखता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। यहां पर देखिए कहां पर है, एम्प्यूला के ठीक नीचे है। इन्हीं दोनों को कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल हेल्प करता है स्टैटिक बैलेंस में। स्टैटिक बैलेंस मतलब जब आप मूव नहीं कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी बैलेंस करती है, इसको मदद करता है ये। और सबसे नीचे ये जो 2.5 राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है स्नेल लाइक ऑब्जेक्ट है, यही है हियरिंग करने वाला पार्ट, नाम है कॉकिलिया। क्या? कॉकिलिया। कॉकिलिया में है 3 पैरेलल कैनाल्स, इसके अंदर है 3 पैरेलल कैनाल्स, और उसपे जो मीडियन वाला कैनाल है, बीच वाला कैनाल है, उसी के अंदर मौजूद है सेंसरी सेल्स फॉर हियरिंग कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉटाई। चलिए अभी सबको डायग्राम के साथ देखते हैं। चलिए ये तो आप समझ गए कौन क्या कर रहा है। ये भी पार्ट देख लीजिए। देखिए ये रहा ईयरड्रम, ईयरड्रम से है हैमर, ये रहा एनविल और ये रहा सिरप। देखा आपने? और आके किसमें मीट कर रहा है? ओवल विंडो में, जो कि कनेक्ट करता है मिडिल ईयर को इनर ईयर से। ठीक है, ओवल विंडो के नीचे आप देखेंगे एक राउंड विंडो भी दिखाई दे रहा है। चलिए ये हो गए पार्ट्स, एक एक करके जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी देखते हैं। तो आउटर ईयर पिना से कनेक्टेड है, आउटर ईयर में पिना है और ऑटरी कैनाल है जो कि ईयरड्रम तक पहुंचता है। मिडिल ईयर में 3 स्मॉल बोन्स हैं जिसको मैलियस इनकस्टिप्स कहते हैं या हैमर एनवल स्टिरप कहते हैं। ठीक है, और क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है मिडिल ईयर को थ्रोट से। इसलिए कभी कभी कान में अगर आपके कोई दवा डाली जाती है तो मुंह में इसका स्वाद आ जाता है। कभी आपने कोई ईयर ड्रॉप कान में डाला है क्या? चलिए कभी डाला जाएगा तो चेक करिएगा, आपको मुंह में इसका स्वाद आने लगेगा। हाँ, चेक करके देखिएगा, मैं सच कह रहा हूं आपको, ये जो स्वाद आ रहा है उस यूस्टेशियन ट्यूब की वजह से आ रहा है। हालांकि मैंने कहा इसका काम है कनेक्ट करना मिडिल ईयर को विद दी थ्रोट एज वेल एज, मैंने कहा एयर प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करता है। और जो 3 बोन्स थे मैंने कहा मिडिल ईयर के बोन्स को कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, 2 विंडोज मिलेंगे, ओवल विंडो और राउंड विंडो। इनर ईयर की तरफ आ जाते हैं। इनर ईयर में सबसे मेन पार्ट है कॉकिलिया। कॉकिलिया स्पाइरल जैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है कॉकिलिया। ये स्पाइरल शेप्ड है, स्नेल शेल जैसा दिखता है। इसके अंदर 3 लेयर मेम्ब्रेन है जिसमें से मिडिल लेयर, कौन सी मिडिल लेयर का नाम है मीडियन कैनाल। उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका नाम है एंडोलिम्फ। इसी एंडोलिम्फ के अंदर है सेंसरी सेल्स। ठीक है ना, और क्या मौजूद है? बाकी 2 लेयर्स और मौजूद हैं, लेयर 1 लेयर 2। इसमें मौजूद होता है लिक्विड कॉल्ड एज पेरिलिम्फ। इसका मतलब है 2 तरह का लिक्विड मौजूद है कॉकलिया के अंदर। ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन है, ट्रिपल लेयर कैनाल है, 3 पैरेलल कैनाल्स है। चलिए दिखा देते हैं 3 पैरेलल कैनाल्स कहां पर है। ये रहा कॉकलिया। कॉकिलिया के 3 कैनाल्स कौन कौन से हैं? देखिए सबसे ऊपर वाला कैनाल 1 नंबर वेस्टिबुलर कैनाल और तीसरा कैनाल टिम्पैनल कैनाल। इन दोनों कैनाल के अंदर 1 और 3 के अंदर है, इस 1 नंबर और 3 नंबर के कैनाल के अंदर है पेरिलिम्फ। इन दोनों के अंदर एक लिक्विड मौजूद है पेरिलिम्फ। ठीक है, और ये जो बीच वाला कैनाल है, ये जो बीच वाला दिख रहा है, ये बीच वाला, इसी के अंदर मौजूद है एंडोलिम्फ। ठीक है, इसके अंदर मौजूद है एंडोलिम्फ। और इसी बीच वाले कैनाल को थोड़ा सा अब बड़ा करके देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
कोकिलिया का तीन पैरेलल कैनाल और उसमें से मिडिल वाले कैनाल को देखना है। मिडिल वाले कैनाल को मीडियन कैनाल कहते हैं। ये रहा वो मीडियन कैनाल, इसको देना हाईलाइट करता हूं। ये मीडियल कैनाल है। इस मीडियल कैनाल में है मौजूद हेयर लाइक सेल्स। क्या? हेयर लाइक सेल्स, सेंसरी सेल्स कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। सेंसरी सेल्स ऑफ हियरिंग यही पैदा करता है। कैसे पैदा करता है? इसके अंदर जो सेंसरी सेल्स हैं, वो इस लिक्विड के वाइब्रेट करने से इंपल्स पैदा करता है और ये इंपल्स कनेक्ट होता है ऑडिटरी फाइबर द्वारा ब्रेन तक। यहां से वो चला जाता है ब्रेन तक और ब्रेन डिकोड कर लेता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल और एम्प्यूला मिलकर डायनेमिक बैलेंस करते हैं जब बॉडी इन मोशन में होती है, और यूटिकुलस सेक्युलस दोनों मिला के बन जाते हैं वेस्टिब्यूल, और ये स्टैटिक बैलेंस में मदद करते हैं। चलिए, ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ईयर आपने देखा, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। तो हियरिंग कैसे हो रही है एक बार मैंने पूरा बता दिया है आपको। बॉडी बैलेंस के लिए मैंने दो पार्ट बताया, पहला बताया डायनेमिक के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल विद एम्प्यूला और स्टैटिक बैलेंस के लिए वेस्टिब्यूल। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर इन डिटेल। यस, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो कुछ भी मैंने डायग्राम्स दिए हैं, जो भी ये स्ट्रक्चर दिया, ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। ये सारा कुछ इसी चैनल पर मौजूद है सर तरुण रूपानी में, जो आपके गूगल सर हैं। यहां पर आप चेक करिए। कैसे चेक करेंगे? आप अपने लेसन वीडियोस को चेक करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को चेक करना चाहते हैं, चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। कहां चेक करेंगे? हाँ, सर तरुण रूपानी वर्ड से ही स्टार वर्ड ओरिजिनेट करता है। सर से एस लिया गया है, टी ए आर यू एन, तरुण से टी ए टा लिया गया है, और रूपानी वर्ड से आर लिया गया, इसी से बना है स्टार। और आप हैं मेरे सुपरस्टार्स, आपके लिए ये डेडिकेटेड चैनल है जहां हर कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। ये सारे नोट्स भी फ्री हैं। हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, फेसबुक का पेज भी बना रखा है, ताकि वहां से आपको नोट्स, लेसन वीडियोस और ढेर सारी अदर जानकारी भी मिलती रहे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो ढेर सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं, किसी भी बहकावे में, किसी की भी कहने में मत आइए। आपको ये सारे कंटेंट्स हम बना रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री कंटेंट्स हैं। ये सब पेड कंटेंट्स होने चाहिए थे, बट हर कुछ है आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री। अच्छा, हमारी तरफ से कभी भी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे स्टार मेंबर को कभी भी कॉल नहीं किया जाता है। यस, हम किसी को भी कॉल ऑल नहीं करते हैं, ना हमारे पास कोई ऐसे लोग हैं या बंदे हैं जो आप लोगों को कॉल करें या मैसेजेस भेजें। ओनली एंड ओनली आई सेंड द मैसेज दैट आर रिलेटेड टू योर क्लासेस एंड दैट आर रिलेटेड ओनली एंड ओनली टू द कंटेंट ऑफ द सिलेबस। चलिए, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्लीज 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 टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और तैयारी करिए।